अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम काइट टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल यारियां की नई प्रोमो आ गई है, जिसमें आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार जूबी की हकीकत सबके सामने आ गई है। जूबी पर बुरा वक्त आ ही गया, आखिरकार जूबी कितने दिन अपनी चाल चलती। ड्रामा सीरियल यारियां की अगली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जब सादिया की रिपोर्ट घर वालों के सामने आती है तो सब घर वाले सादिया पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि सादिया माँ बनने वाली है। उमेर की माँ उस पर बहुत ज्यादा खुश होती है। उमेर जब घर बताता है कि सादिया माँ बनने वाली है और माँ आप दादी बनने वाली हैं, तो उमेर की माँ की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती और वो उमेर को गले लगाती है और बहुत खुश होती है। उमेर की माँ सादिया का माता चुनती है और उसे खुशखबरी देती है। घर में हर तरफ खुशी का समा होता है। दूसरी तरफ आप सभी दोस्त देखेंगे कि सादिया फोन पर जूबी से बात करती है और उसे बताती है कि उमेर का रवैया अब मेरे साथ बदल गया है। जूबी सोफे पर बैठी फोन सुन रही होती है। जब उसे पता चलता है तो हैरानगी और गुस्से से खड़ी हो जाती है। सादिया उसे बताती है कि अब वो बहुत अच्छा हो गया है मेरे साथ। सादिया की बात सुनकर जूबी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन सादिया उस खुशी की खबर पर जूबी को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन सादिया क्या जाने इस खुशी की खबर पर जूबी के दिल में क्या बीत रही है। जूबी फोन कॉल सुनकर गुस्से से अपना फोन बेड पर फेंक देती है। अब आया जूबी पर वक्त बुरा। जिस तरह उसने दूसरों के घर में आग लगाई, उसका अंजाम होगा अब बुरा। दूसरी तरफ आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार उमेर भी बोल पड़ा। वो कॉल पर कहता है कि अब अहमर के साथ खुश रहो और मुझे भी सादिया के साथ सेटल होने दो, क्योंकि अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जिस पर जूबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कमरे में पड़ी पिल्लो गुस्से से नीचे फेंकती है। जूबी पर अब आ गया है वक्त बुरा। दूसरों के साथ बुरा करने वाला और दूसरों का बुरा सोचने वाला और दूसरों के घर बर्बाद करने वाला जिंदगी में कभी खुशी हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, उमेर ने सादिया का बच्चा तो कबूल कर ही लिया, लेकिन आप सभी दोस्तों को उमेर और सादिया की खुशी कैसी लगी और आप सभी दोस्त जूबी का क्या अंजाम देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अलगेबान झूठे तेरे थे वादे, झूठी तेरी वफा।